हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो यह है शाम का टाइम। तो फ्री में बनाने जा रही हूँ कॉर्न चाट। और ये देखिए स्वीट कॉर्न लेके आई थी मैं मार्केट से, क्योंकि हमारे यहाँ ना मार्केट लगती है, यहाँ पर सब्जी मंडी लगती है, तो वहाँ पर मतलब काफी सॉफ्ट एकदम फ्रेश मिल जाती है स्वीट कॉर्न। तो इस बार मेरा मन कर गया घर को मूवी थिएटर पर आने का कि ना ये मूवी देखते देखते खाओ ना ये स्वीट कॉर्न की चाट, तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो आज मैं घर को बनाने जा रही हूँ मूवी थिएटर पर। कैमरा बहुत बुरी तरीके से लिया था है? तो पता है गाइस, यहाँ पर मैंने अपने बेटे को बोला था वीडियो शूट करने के लिए, तो वो यही कह रहा था कि मम्मी जो है एकदम कैमरा हिल गया था। तो इसी पे मुझे हंसी आ रही थी। और यहाँ देखिए मैंने जिस ये जो बाउल आप देख रहे हैं ना, जिस बाउल से मैं पानी डाल रही हूँ, तो ये तीन बाउल मैंने कॉर्न लिए हैं, स्वीट कॉर्न लिए हैं। और आधा बाउल मैंने इसमें पानी डाला है, और इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला है। और जो है मीडियम गैस पे इसे 10 मिनट तक इसे पकाना है। जैसे कि जो है आधा बाउल डाला है पानी, या फिर आधा बाउल से थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा सॉफ्ट है कॉर्न। तो मतलब पानी सारा सूख जाए फिर उसके बाद ही गैस ऑफ करनी है, मतलब जलनी नहीं चाहिए कॉर्न, तो सारा पानी सूख जाए इसका। तो फिर यहाँ पर जो है आज मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि मैंने पालक और सरसों का साग भी मैं बना रही थी। देखिए दूसरी गैस पे मैं साथ ही साथ चला भी रही हूँ, क्योंकि मैंने जो है इसमें ना आलन देके मैंने जो है पकने के लिए छोड़ दिया था जो है दूसरी गैस पे। और जो है साग बनाने की रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी किसी वीडियो में। और देखिए पूरा जो है कॉर्न का पानी जो है सारा सूख गया था, तो मैं यहाँ पर जो है मैंने 2 चम्मच बटर डाला है, अमूल का बटर डाला है। और ये जो है गरम गरम मैंने इसमें स्वीट कॉर्न इसमें डाल दिए हैं। तो ये गरम गरम ही चाट अच्छी लगती है, क्योंकि ये विंटर सीजन में ही मोस्टली मार्केट वगैरह में दिखाई देती है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा चाट मसाला डाल दिया है, और सारी जो मैंने टमाटर प्याज हरी मिर्च और डाल दी हैं, और जो है इसमें मैंने लाल मिर्च और नमक भी डाल दिया है, और इसमें काली मिर्च का पाउडर भी मैंने डाला है। नमक इसमें उसी हिसाब से डालना है, क्योंकि हम इसमें पहले भी नमक डाल चुके हैं। तो लास्ट में मैंने इसमें जो है डाला है नींबू, और क्योंकि इसमें जो है नींबू का तो टेस्ट का मज़ा ही कुछ और होता है, मतलब बिना नींबू के बिना लेमन के चाट का मतलब बिल्कुल अधूरी सी लगती है। तो इसे मैंने धनिया भी लास्ट में डाला है। तो ये बनके हमारी तैयार हो गई है कॉर्न चाट। तो इसे गरम गरम ही सर्व करो ना, और इसलिए फटाफट मैंने बनाई थी, जल्दी जल्दी बनाई थी, ताकि गरम गरम ही मतलब ठंडी ना हो जाए ये। तो गरम गरम खाओ ना, तो अलग ही मज़ा आता है इसका। तो देखिए आप देख रहे होंगे साइड में मेरा बेटा भी मेरे पास खड़ा हुआ है, क्योंकि ना ये जो है इतना एक्साइटेड हो रहा था ना कि कब, और बार बार देखिए आप बीच बीच में टेस्ट भी कर रहा है सॉल्ट मसाले वगैरह कि मम्मी कैसी बनी है। क्या ले रही हो? तो बस कॉर्न चाट बन गई। ओए बन गई। हाँ ओ आई लो कमरा में लग रही है, कैसी लग रही है? हाँ हाँ बहुत बढ़िया लग रही है। अब वीडियो बंद कर, जल्दी दो यार लाइट जलाना, जल्दी 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 जल्दी। अरे अरे फ्रेंड्स, तो गाइस देख रहे हो कितना क्रेजी हो रहा है कॉर्न चाट के लिए, मतलब इसकी ये तो बहुत ज्यादा क्रेजी रहता है। बस इसे खाना मत दो और एक ऐसी चीज दे दो बहुत ही ज्यादा, मतलब इसी की डिमांड पे बनाया है ये कॉर्न चाट। ठंडी हो रही है, खाओ जल्दी पापा। तो यहाँ पर हम मूवी देखते हुए खा रहे हैं कॉर्न चाट, और मैं खड़े होके इसीलिए खा रही हूँ कि ना मुझे बार बार किचन में वो साग चलाने के लिए जाना पड़ रहा था। तो गाइस आप कॉर्न चाट बना के ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये। तो फ्रेंड्स ये है अगले दिन का व्लॉग, और नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो ये है मॉर्निंग का टाइम, तो मैंने हस्बैंड बेटा मेरा स्कूल चला गया था, हस्बैंड को भी मैंने ऑफिस भेज दिया था लंच वगैरह पैक करके।
तो यहाँ पर जो है किचन वगैरह का काम मेरा फिनिश हो गया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेड में से ना वूलन कपड़े निकाले थे धूप लगाने के लिए, और आप ये देख रहे होंगे किट, क्योंकि जिस वूलन कपड़े रखे हुए हैं ये किट मैंने टेलर से बनवाई थी और काफ़ी अच्छी किट है। इससे ये फ़ायदा होता है ना कि इसमें फ़ोल्ड करके रख दो ना तो गंदे भी नहीं होते हैं और ख़राब भी नहीं होते, मतलब सेफली रखे रहते हैं बेड के अंदर वूलन कपड़े। तो ये भी जो है काफ़ी बड़ा काम है, मतलब सीज़न जब चेंज होता है ना, मौसम चेंज होता है तो मतलब वूलन कपड़ों को रखो और फिर जो है गर्मियों के कपड़ों को पैक करके रखो। और फिर यहाँ पर मैं छत पे जा रही थी धूप लगाने के लिए, और आज जो है चिल्ड्रंस डे भी है तो बच्चों के लिए ना जो मुझे मार्केट भी जाना था और बच्चों के लिए केक भी लेकर आनी थी। अभी तक मैंने पता है क्या विश भी नहीं किया बच्चों को, तो बच्चे कुछ उदास भी लग रहे थे। तो देखिए गाइस ये जो है दूसरी किट है, ये किट मैंने मार्केट से मंगाई थी। आज है चिल्ड्रंस डे और मैंने जो है बच्चों को पता भी नहीं, बच्चों की फेवरेट फ्लेवर का मैंने जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद है उनको फ्लेवर, तो वो मैंने केक ला के रखा हुआ है फ्रिज में। और पता है मैंने मैं 3-4 घंटे हो गए फ्रिज में केक लाए हुए, और मैं किसी को फ्रिज भी नहीं खोलने दे रही हूँ। मैं मतलब एक बार तो बेटा खोलने के लिए जा रहा था फ्रिज, और मैंने ही कहा था मैंने बेटा को कुछ सामान मंगवाया था शायद मैंने, तो जो है फिर मुझे एकदम याद आ गया ना फिर के मतलब फ्रिज में तो केक रखा हुआ, मैंने कहा दिख जाएगा बच्चों को, तो फिर मैं एकदम फिर मैंने उसे एकदम मनाही कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं मैं ले लूँगी जाऊँ। तो गाइस अब हम जा रहे हैं बच्चों को बुलाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ना रूम की लाइट ऑफ कर दी थी, और जितने बलून फूले ना मेरे से तो उतने बलून मैंने वॉल पे लगा दिए थे, और जो है बच्चों को पता भी नहीं चला। और मैंने केक वगैरह लाके रेडी कर ही दिया था रूम, और दूसरे रूम में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उन्हें पता नहीं चला। और देखिए यहाँ पर जो है मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन पता नहीं क्या आवाज़ ही म्यूट हो गई, पता नहीं क्या हुआ, आवाज़ ठीक ही नहीं हुई। तो फिर यहाँ पर मैं बस यही मैं कह रही थी मैं आपसे कि दूसरे रूम में बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं जा रही हूँ उन्हें बुलाने के लिए, उन्हें पता भी नहीं है सरप्राइज़ देने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं तीनों को मैंने विश किया चिल्ड्रंस डे, और काफ़ी खुश हुए बच्चे, और ये जो है मेरी नंद की बेटी भी आ रखी थी तो जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हुए बच्चे, क्योंकि मैंने पूरे दिन विश नहीं किया था उन्हें, तो उन्हें डाउट तो उन्हें हो गया था क्योंकि मैं फ्रिज के पास उन्हें जाने ही नहीं दे रही थी कि कुछ बात तो ज़रूर है कि मम्मी फ्रिज के पास नहीं जाने दे रही है। तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए बच्चे, और मैंने फेवरेट उनका जो है खाने के लिए बर्गर भी मैंने मंगा लिया था, तो बस काफ़ी इंजॉय किया, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हुए बच्चे, काफ़ी इंजॉय किया बच्चों ने। तो गाइज़ यहीं पर मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, और व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, टेक केयर, बाय बाय।